हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ पनीर की बहुत ही लाजवाब सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे एक बार बनाकर आप इसे बार बार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे दही। तो यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है मैंने, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर दही के लिए हैं। अब इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी, इसको मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था। अब इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करके स्मूथ कर लेना है दही को, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में। ये देखिए इस तरह से ये हमारी दही इस तरह की हो गई है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक बर्तन जिसमें हमें पनीर बनाना है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ तेल। तो यहाँ पर तेल को गरम होने देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, फिर 1 बड़ा प्याज मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब प्याज को थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मैंने 4 कलियाँ और थोड़ा सा अदरक पीस लिया था। फ्रेश चीज़ों का यूज़ करेंगे तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब 1 हरी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। तो 3 टमाटर को मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था, उसकी प्यूरी बना ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसको हम चला लेंगे और इसको हम पकाएंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और फिर यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि हमने दही में भी नमक डाला था। तो उसी के अकॉर्डिंगली नमक का यूज़ करें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर तीखा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे से भूनना है अब, जब तक कि इसमें से साइडों से ऑयल नहीं दिख जाता। जैसे ही ऑयल दिखने लगेगा, ये देखिए साइडों में, तो अब यहाँ पर हम ये जो दही का मिक्सचर हमने बना के रखा था ना, वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और इसको लगातार चलाना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि दही फटे ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्सचर पकने लगेगा, साइडों से ऑयल रिलीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसने साइडों में ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है मिक्सचर पकते पकते। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर थोड़ी पतली हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था, अब इसके अंदर हमने ये पानी ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतना तक ग्रेवी पकेगी, हम यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे देसी घी 1 चम्मच और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से मसाले। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे पनीर के पीसेस, उनको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े पीस रखे हैं, आप अपनी चॉइस से छोटे पीस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर अच्छा सा कलर आने देंगे पनीर पर। तो यहाँ पर मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ इस तरह से। अब इनको पलट लेंगे थोड़ी देर बाद और ये देखिए इन पर अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए इस तरह से सारे पनीर के टुकड़ों को मैं पलट लूँगी और जैसे ही ये दोनों साइड से सिक जाएंगे, अच्छे से कलर आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। पनीर निकालने के बाद जो इसमें घी ये बचा है, इसके अंदर हम सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबी लंबी शिमला मिर्च काटी है और 1 बड़ा प्याज मैंने लंबा लंबा ही कट कर लिया है। अब इनको हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए अच्छे से चलाएँगे, अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट भी होंगी और थोड़ी सी क्रंची भी रहेंगी। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही मैं इनको चला रही हूँ, इन्हें अच्छे से सोते कर लेंगे हम। और अब इसको हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। यहाँ पर ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, ये देखिए ऑयल रिलीज़ कर दिया है इसने अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने ये सब्जियाँ डाल दी हैं जो हमारे पास शिमला मिर्च और प्याज थे, अब अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें ग्रेवी में। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर के पीसेस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये देखिए पनीर मैंने डाल दिया है और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स पनीर को, ताकि पनीर भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो जाए। पनीर डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे और ये हमारी पनीर की बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।